नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। और अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दो ताकि जैसे ही नया वीडियो आता है आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों, हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI 2021 को कवर करेंगे, जो कि हाल ही में जर्मन वाक संस्था ने निकाला है। दोस्तों, सारी की सारी डिटेल में हम बातें जानेंगे इंडेक्स के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ये कौन संस्था लाता है? ये लाती है जर्मन वाच, एक एनजीओ है बून जर्मनी में बेस्ड। जो महत्वपूर्ण बातें हैं इंडेक्स की, हम वो आगे की स्लाइड में देखते हैं। आर्टिकल क्लिपिंग है न्यूज़पेपर की। ये तो इंडेक्स में ऐसा बोला गया है कि भारत का 7वां नंबर है क्लाइमेट रिस्क के अंदर। सबसे टॉप कौन सा देश है, सबसे ज्यादा खतरे में कौन सा देश है क्लाइमेट चेंज से? मोजाम्बिकू। दूसरे नंबर पे जिम्बाब्वे, तीसरे नंबर पे द बहामास, चौथे नंबर पे जापान, पांचवे नंबर पे मलावी, छठे नंबर पे अफगानिस्तान और सातवें नंबर पे हमारा देश भारत, इंडिया है। दोस्तों, ये जो इंडेक्स है कौन सा संस्था लाती है? जर्मन वाच। जर्मन वाच ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को रिलीज करता है हर साल। दोस्तों, इस इंडेक्स में चार इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, आप ध्यान रखो। पहला इंडिकेटर है नंबर ऑफ डेथ, सेकेंड पैरामीटर है नंबर ऑफ डेथ्स पर 1 लाख इनहेबिटेंट्स, यानी कि कितने लोग मरते हैं 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर। तीसरा पैरामीटर है सम ऑफ लॉसेस इन यूएस डॉलर इन परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस, यानी कि कितना लॉस हुआ है आपको यूएस डॉलर की टर्म्स में परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस पे। और चौथा पैरामीटर है लॉसेस पर यूनिट ऑफ GDP। चारों के चारों पैरामीटर यूज करते हैं इंडेक्स में रैंकिंग डिसाइड करने के लिए। इस रिपोर्ट का यह कहना है कि हमारे देश भारत में 2019 का डाटा बताया इन्होंने कि 2019 में 2267 फैटलिटीज क्लाइमेट चेंज से हुई थी, और उसके बाद में हमारा जो टोटल इकोनॉमिक आउटपुट का लॉस है वो है 68,812 मिलियन डॉलर, सबसे ज्यादा है। यानी कि एब्सोल्यूट टर्म्स में तो हमारा जो लॉस है, हमारी जो घटना है, काफी ज्यादा है, लेकिन हम उनको पर 1 लाख पे देखते हैं या फिर पर यूनिट ऑफ GDP देखते हैं तो हमारी रैंक 7वें नंबर पर पहुंच जाता है, जो कि हमारी एक जो लार्ज पॉपुलेशन है उसका रिजल्ट है। दोस्तों, रिपोर्ट का ये बोलना है कि जो लास्ट के 20 साल है 2000 से लगा के 2019 में क्लाइमेट चेंज से 4,75,000 जिंदगी जा चुकी है, और जो नंबर ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है 11,000, टोटल फाइनेंशियल लॉस 2.56 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है, जो कि काफी बड़ा नंबर है। दोस्तों, आप याद रखो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में, आप इस वीडियो को देख लो 1 से 2 बार, आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये इंडेक्स पूछा जाएगा। भारत की रैंक किस देश ने टॉप किया है, मोजाम्बिकू सबसे खराब देश कौन सा है, वो सब बातें आप याद रखो। दोस्तों, अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, नया वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होता हूँ।